नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत करना चाहेंगे हेडलाइंस के साथ। हिमाचल प्रदेश में चुनावी पारा चढ़ा, सभी पार्टियों के नेता प्रचार में जुटे। पीएम मोदी आज सुंदरनगर और सोलन में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। वहीं अन्य पार्टियों ने भी प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज होगी जारी। कांग्रेस ने जारी की 43 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। राज्य में दो चरणों में 1 और 5 दिसंबर को होगा मतदान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 4 दिवसीय पूर्वोत्तर दौरा आज होगा संपन्न। दौरे के संपन्न होने से पहले राष्ट्रपति रवंगला में तथागत पर अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाली महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से करेंगी बातचीत। दिल्ली एनसीआर में हवा लगातार बनी हुई है जहरीली। वायु गुणवत्ता सूचकांक कई जगहों पर 450 के पार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जनता से मास्क पहनने का किया आग्रह। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी। अमेरिका ने की यूक्रेन को अतिरिक्त सुरक्षा सहायता के रूप में लगभग 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा। कहा, अतिरिक्त सुरक्षा सहायता के रूप में ये पैकेज यूक्रेन की सर्वाधिक आवश्यकता जरूरतों को करेगा पूरा। और सिडनी में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज ग्रुप ए के सुपर 12 के मुकाबले में इंग्लैंड की टीम का श्रीलंका से मुकाबला। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इंग्लैंड को इस मैच को हर हाल में होगा जीतना। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। भाजपा के बड़े नेताओं ने प्रदेश में पार्टी के चुनावी अभियान की कमान संभाल रखी है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के दौरे पर रहेंगे। पीएम सुंदरनगर और सोलन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की रैली को लेकर भाजपा ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को सुंदरनगर पहुंचकर प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं पीएम मोदी की रैली को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी की ये रैलियां ऐतिहासिक होंगी। अन्य दलों के नेता भी राज्य में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ गया है। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित तमाम क्षेत्रीय दल भी चुनावी मैदान में पूरा पसीना बहा रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर आज ऊना जिले की चिंतपूर्णी विधानसभा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। अनुराग सिंह ठाकुर हमीरपुर जिले के नादौन में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिलासपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टियों के प्रचारक जनसभाओं को संबोधित कर अपने पक्ष में वोट मांगते दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी विधानसभा चुनाव के लिए डोर टू डोर कैंपेन के तहत जनसंपर्क कर रही है। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी होगी। राज्य में दो चरणों में मतदान होना है। पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को और दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। पहले चरण में 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण के तहत 14 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। वहीं दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होगा। और कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 43 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने पोरबंदर निर्वाचन क्षेत्र से अर्जुन मोटवाड़िया को टिकट दिया है, जबकि राजकोट से हितेश भाई एम वोरा को उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर मितेश गरासिया झालोद से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव दो चरणों में कराए जा रहे हैं। मतगणना 8 दिसंबर को होगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 4 दिवसीय पूर्वोत्तर दौरे का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रपति आज रवंगला में तथागत स्थल पर अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाली महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति ने कल आइजोल में मिजोरम विधानसभा के सदस्यों को संबोधित किया था। और अब बात दिल्ली की हवा की। दिल्ली एनसीआर में यहां की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। दमघोटू हवा के चलते लोगों को सांस लेने में परेशानियां हो रही हैं। हालात ये हैं कि वायु गुणवत्ता सूचकांक कई जगहों पर 450 के करीब पहुंच गया है। दिल्ली में ओवरऑल वायु गुणवत्ता सूचकांक 445 दर्ज किया गया है, जो कि काफी गंभीर श्रेणी में आता है। आईआईटी दिल्ली में PM10 का स्तर 294 और PM2.5 का स्तर 376 दर्ज किया गया। पूसा में PM10 का स्तर 374 और PM2.5 438 दर्ज किया गया। वहीं नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 186 दर्ज किया गया। इस बीच वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार होने तक राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्राइमरी स्कूल्स आज से बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों की ऑड इवन स्कीम लागू करने पर भी विचार कर रही है। दिल्ली सरकार के 50% कर्मचारियों को घर से ही काम करने को कहा गया है। सरकार ने निजी दफ्तरों को भी वर्क फ्रॉम होम मोड पर जाने की सलाह दी गई है। और दिल्ली का दम जहरीले धुएं में घुट रहा है। और उधर पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लोग आंखों में जलन महसूस कर रहे हैं। डॉक्टरों ने सांस के रोगियों को घर में ही रहने की सलाह देनी शुरू कर दी है। देश की राजधानी ने धुंध की चादर लपेट रखी है। पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पूसा डिकम्बोसर का प्रयोग उन राज्यों में युद्ध स्तर पर किया है जहां पराली जलाने की वजह से वातावरण प्रदूषित हो रहा है। राजधानी दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें पूसा डिकम्पोजर से उन प्रभावित गांव में इसके सफल क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। इसमें वैसे किसानों ने भाग लिया जो अपने खेतों में पराली जलाने के बजाय डिकम्पोजर के द्वारा पराली को गलाने का काम कर रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि डिकम्पोजर के अधिकाधिक प्रयोग के लिए 3,000 करोड़ से भी अधिक की राशि 4 राज्यों को दी गई है। इसमें पंजाब को सबसे अधिक राशि प्रदान की गई है। पराली के विषय को लेकर केंद्र सरकार ने लगभग अभी तक 18-19 से 3,138 करोड़ रुपया राज्य सरकारों को दिया है। पूसा डिकम्पोजर का प्रयोग बहुत ही सफल है, सरल है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकारों को भी आग्रह करना चाहूँगा और किसान भाइयों बहनों को भी आग्रह करना चाहूँगा कि पूसा डिकम्पोजर का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। सम्मेलन में दूर दूर से आए किसानों ने बताया कि पूसा डिकम्पोजर के प्रयोग से एक तो पराली को जलाना नहीं पड़ता, दूसरी ओर मिट्टी की उर्वरा शक्ति में भी वृद्धि होती है। इससे फायदा ये है जी, तो फसल अच्छी होगी, खेतों में गुणवत्ता बढ़ेगी, इससे फायदा बहुत है। डिकम्पोजर किसानों के लिए नहीं, ये फसल के लिए, धरती माता के लिए बहुत लाभमंद है। जो इसका सही सदुपयोग करता है उसके लिए बहुत बढ़िया है। डिकम्पोजर है तो बेस्ट है, लेकिन इसको क्या है, किसानों को अवेयरनेस करने की जरूरत है। जैसे कि पुपसा वाले हैं, इन्होंने एक अमृतसर में कैंप लगाया हुआ है और हमारे होशियारपुर में लगा हुआ है। अगर ऐसे कैंप हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में लगें तो पंजाब में भी अगर किसानों को पता होगा तभी तो इस साइड में जाएंगे। खेत में छिड़काव करने वाले किसान बताते हैं कि उन्हें कम से कम 10 दिन में पूसा डिकम्पोजर मिलता है और छिड़काव के बाद करीब 15 दिन तक पराली को खाद में बदलने के लिए इंतजार करना पड़ता है। फिर जुताई से पहले कुछ दिन तक खेत को ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बाद पराली खाद में बदल जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक पूसा डिकम्पोजर के इस्तेमाल से मिट्टी में कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अगली फसल से अधिक पैदावार को लेकर किसानों को इसका लाभ भी प्राप्त होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा विकसित पूसा डिकम्पोजर 3 रूपों में उपलब्ध है, द्रव्य के रूप में, पाउडर के रूप में और कैप्सूल के रूप में। आप इनका प्रयोग करें, पराली को जलाएं नहीं बल्कि गलाएं, ताकि वह आगे चलकर खाद बन सके और प्रदूषण की जो समस्या है उससे भी निजात हम पा सकेंगे अगर हम पूसा डिकम्पोजर का प्रयोग करेंगे। कुमार आलोक, DD News, दिल्ली।
तो जैसा कि हमारे सहयोगी कुमार आलोक ने कहा अपने इस रिपोर्ट के जरिए कि जो किसान अभी तक इस पूसा डिकम्पोजर का यूज करना शुरू नहीं किए हैं वो जरूर इसका यूज करें, ताकि दिल्ली में आप और हम देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ की हवा काफी जहरीली हो गई है, उससे हम और आप सभी बच पाएंगे। इसलिए आप इसका जरूर उपयोग कीजिए अगर आप किसान हैं। तो बढ़ेंगे आगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा 2022 का रिजल्ट आज जारी किया जाएगा। यूजीसी नेट की परीक्षा का आयोजन 8, 10, 11, 12, 13 और 14 अक्टूबर 2022 को किया गया था। परीक्षार्थी ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए परीक्षार्थियों को उनके एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी। खबर मथुरा से आ रही है, दुखद खबर है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 4 दूसरे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे पीछे से आ रही दूसरी कार भी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से पलट गई। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। भारत ने उत्तर कोरिया की मिसाइल परीक्षणों पर संयुक्त राष्ट्र में चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि उत्तर कोरिया की मिसाइल परीक्षणों से शांति और सुरक्षा काफी प्रभावित हो रही है। रुचिरा कंबोज ने कहा कि मिसाइल परीक्षण सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन है। यह सिर्फ एक क्षेत्र या किसी देश की बात नहीं है, इससे पूरे विश्व की शांति और सुरक्षा खतरे में आती है। और आगे बढ़ने से पहले यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए नुकसान कम। दादू hey! Next time your pink dress. You're the limit. Limit तो सेट है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रूस और यूक्रेन संघर्ष के बीच अमेरिका ने यूक्रेन की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। अमेरिका ने कहा है कि अतिरिक्त सुरक्षा सहायता के रूप में यह पैकेज यूक्रेन की सर्वाधिक आवश्यक जरूरतों को पूरा करेगा। इस 400 मिलियन डॉलर की सहायता से यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा, ताकि यूक्रेन को रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों के खिलाफ बेहतर बचाव करने में मदद मिल सके। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को सुरक्षा सहायता के रूप में 18.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धता जताई है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने उत्तर कोरिया की मिसाइल परीक्षणों को लेकर चीन पर रूस पर जमकर निशाना साधा। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि चीन और रूस ने उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों को हमेशा सही ठहराया है। इन सदस्यों ने उत्तर कोरिया को सक्षम बनाकर उसे सुरक्षा प्रदान किया है। अमेरिकी राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र में सभी देशों से उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों के खिलाफ एकजुटता का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि परिषद के 13 सदस्य उत्तर कोरिया की गैर कानूनी कार्रवाइयों की निंदा करने में शामिल हुए हैं। यूक्रेन का हर शहर करीब 10 महीने से युद्ध की आग में झुलस रहा है। रूस के तेज होते हवाई हमले का यूक्रेन भी करारा जवाब देता नजर आ रहा है। कभी युद्ध का पलड़ा यूक्रेन की तरफ जाता दिखता है तो कभी रूस को इस युद्ध में बढ़त मिलती दिखती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार को एक वीडियो संबोधन में कहा कि पिछले एक सप्ताह में यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र के 2 शहरों सोलेदार और बखमुट के आसपास भीषण लड़ाई हुई है। उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेनी सेना भी शुक्रवार को 8 ईरानी ड्रोन और 2 रूसी मिसाइलों को मार गिराया। गौरतलब है कि हाल के हफ्तों में रूस ने यूक्रेन के बिजली सुविधा केंद्रों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेनी सरकार को लोगों से कम बिजली का उपयोग करने की गुजारिश करनी पड़ी है।
अमेरिका में 8 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कैलिफोर्निया में तेल कंपनियों के साथ बातचीत की। जो बाइडन ने कहा कि उनके प्रशासन में नीतियों को बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है। बाइडन ने कहा कि अमेरिका में तेजी से रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं, जो कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए काफी सकारात्मक संकेत हैं। आपको बता दें कि 8 नवंबर को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों और सीनेट की 100 सीटों में से 35 सीटों पर मतदान होगा। साथ ही 39 राज्यों और क्षेत्रीय गवर्नर चुनाव के अलावा कई अन्य राज्यों में भी स्थानीय चुनाव होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति समेत अब तक 20 मिलियन से अधिक लोगों ने इसके लिए पहले ही मतदान कर दिया है। खबर खेल जगत से है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज सिडनी में ग्रुप ए के सुपर 12 के मुकाबले में इंग्लैंड की टीम का सामना श्रीलंका के साथ होगा। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इंग्लैंड को इस मैच को हर हाल में जीतना ही होगा। ग्रुप एक से न्यूजीलैंड की टीम पहली टीम बन गई है जिसने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। ऐसे में टक्कर अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच है कि दोनों में से कौन सी टीम सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल होती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 मैचों में 7 अंक के साथ फिलहाल दूसरे स्थान पर है। ऐसे में अगर इंग्लैंड आज का मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ जीत जाती है तो इंग्लिश टीम के भी 7 अंक हो जाएंगे, लेकिन बेहतर रन रेट के चलते इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया से आगे निकलकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी। यानी कि इंग्लैंड को श्रीलंका के खिलाफ ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। जर्मनी में चल रही बैडमिंटन की हायलो ओपन प्रतियोगिता में भारतीय बैडमिंटन स्टार किदांबी श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल के मुकाबले में श्रीकांत ने जोनाथन क्रिस्टी को 21-13 और 21-19 से शिकस्त दी। वहीं सेमीफाइनल में आज श्रीकांत का सामना इंडोनेशिया के एंथनी सिनिसुका जिंटिंग से होगा। और भारतीय रन मशीन विराट कोहली के जन्मदिन पर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद उनके फैंस ने न केवल उनका जन्मदिन मनाया बल्कि इस बात की दुआ भी की कि विश्व कप के बाकी बचे मैचों में भी कोहली का बल्ला यूं ही रन बरसाता रहे और विश्व कप का ताज टीम इंडिया के नाम हो। मेलबर्न में मौजूद हमारे सहयोगी अभिषेक महाजन ने उन भारतीय प्रशंसकों के साथ खास बातचीत की। विराट कोहली का जन्मदिन है, वो 34 साल के हो गए हैं। उनके फैंस कुछ हमारे साथ है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के पास, स्टेडियम के पास एक होटल है वहां पर है। विराट कोहली का जन्मदिन है आज, 34 साल के वो हो गए हैं, कैसे विश करना चाहेंगे? कोहली जो है वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट ऑलरेडी चल रहे हैं और बहुत ही अच्छे से सुपर परफॉर्म कर रहे हैं। इससे अच्छा और स्पेशल बर्थडे क्या होगा कि उनके पीछे 1 बिलियन से ऊपर लोगों की दुआएं हैं और वो हमारे को डेफिनेटली क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 यहां मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड विच वी कॉल इट प्यार से हम जी यहां से उठा के लेके जाएंगे। आप विराट कोहली को कैसे विश करना चाहेंगे? हमने उनकी एक बहुत ही ऐतिहासिक पारी को अपने अपनी विद वी सो इट विद नेकेड आइज एंड हम इससे ज़्यादा अपने अपने को गर्व नहीं महसूस करते जब से विराट कोहली ने वो 2 छक्के हैरिस रोफ की बॉल पे लगाए हैं और उसके बाद हमें जो उन्होंने विन दिलाई है हम उनके बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। केक लाने का बताइए किसका प्लान था? केक काटा आपने विराट कोहली के नाम पर और सबसे ज़्यादा आप ही चिल्ला रहे थे, जोश में नजर आ रहे थे आप, कैसे विश करना चाहेंगे विराट? मैं विराट कोहली को बहुत शुभकामनाएं देने चाहूँगी उनके जन्मदिन की, क्योंकि वो इंडिया की एक होप है, एक क्रिकेट टीम के किंग है वो, जो हमेशा हमारे इंडियन सिटीजन्स को ही होता है कि वो एक होप है कि अगर विराट कोहली खेल रहा है तो वो ज़रूर जीतेगा। और रही बात केक की, ये एक हर्टफुल विश है उनके लिए, हम उनके लिए काटना चाहते थे। हमारी फुल टीम, हमारी जो जॉब है, हमारा जो होटल टीम है, वो
जस्ट एक जोश के साथ आई थी कि आज हमें विराट कोहली का केक काटना है। इवन हमारे बॉसेस देवर लाइक कि घर नहीं जाना है आज, आज पार्टी है विराट कोहली के लिए। कोहली का के साथ आप बर्थडे मंथ शेयर करते हो, कैसे आप विराट कोहली को विश करना चाहते? मैं विराट कोहली को कहना चाहूँगी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, आपका बर्थडे बहुत बहुत अच्छा जाए। जब कभी भी इंडिया का इंडिया जीतती है, कुछ भी हमारा फ्लैग लहराता है, ऐसा प्राउड फील होता है। इवन हम कभी अगर कोई भी चीज़ पा लें या हमारा कोई भी ड्रीम पूरा हो जाए, लेकिन जब इंडिया का झंडा लहराता है, इतनी प्राउड मोमेंट होता है वो कि इट फील्स लाइक वी आर इंडियन। किसने सोचा था जिस तरह वो उनके पिछले कुछ साल गए हैं के चार मैच वो वर्ल्ड कप के खेल चुके होंगे और 350 उसमें मार चुके होंगे, तो ये तो अनबिलीवेबल सा हो गया। आई थिंक इसीलिए उन्होंने आसमान की तरफ देखा जब इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद और उनकी आंखों में आंसू था। आई थिंक वो भगवान की तरफ से उनको उनका बर्थडे का गिफ्ट था और हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत बर्थडे की शुभकामनाएं। मेलबर्न में जब पाकिस्तान से हमने जीत दर्ज की थी तो मैंने ये कहा था कि मेलबर्न का मैदान पाकिस्तान से घमासान और जोश में हिंदुस्तान, और अभी भी जोश में हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है विराट कोहली के बर्थडे पर। एक फाइनल चेयर कर दें उनके लिए। यस, विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली, किंग कोहली, किंग कोहली, हैप्पी बर्थडे टू विराट कोहली, हैप्पी बर्थडे टू विराट कोहली। चलिए बहुत बहुत बधाइयां विराट कोहली को उनके जन्मदिन पर, और सबको ये उम्मीद है, सबका ये मानना है, सबका ये विश्वास है कि 2007 के बाद टीम इंडिया एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप यहीं पर MCG में जीतने जा रही है। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ मेलबर्न से अभिषेक महाजन, DD न्यूज। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार। नेल कंटन सेवल में जन्मे स्वराज के लिए स्वर